इतने वीडियोस को देख लोगे आप खुद कहोगे कि साइंस बिल्कुल इजी है, आप साइंस को टफ कहना भूल जाओगे। दिस इज़ माय चैलेंज। और बोर्ड में आपके अगर टेंथ की आप तैयारी कर रहे हो तो अगर एक बार आपने इन वीडियोस को वॉच कर लिया, मेरी वीडियोस को, सो आई एम गिविंग यू डेफिनेटली 100% रिजल्ट इफ़ यू विल वॉच दिस वीडियोस। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। एट द लास्ट आई विल आस्क वन क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूँगी, अगर आपने उसको आंसर दे दिया इसका मतलब आपको ये वीडियोस समझ आई है। ठीक है, लेट्स विल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यू विल सी, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये फूड है और मेटल्स का आप देखते हो कॉरिजन, सो यू विल सी दैट दीज आर मेन टू इफेक्ट्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन के मेन टू इफेक्ट्स देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे जो डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ में वो दो कॉमन इफेक्ट हम देखने का आता है, वन इज कॉरिजन एंड अदर इज रैंसिडिटी, अदर इज रैंसिडिटी। सो दो कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है इन आवर डे टू लाइफ, वन इज कॉरिजन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, अदर इज रैंसिडिटी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। अब हम इनकी डिटेल में थोड़े स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा है आयरन आर्टिकल्स, कोई भी आयरन आर्टिकल्स होती है वो कैसी होती है, स्टार्टिंग में शाइनिंग, बिल्कुल चमक होती है उसके अंदर, बट आफ्टर सम टाइम वट यू विल सी दैट देयर सरफेस बिकम डल, उनकी सरफेस कैसे जाती है, डल। नाउ वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न है कि कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, कॉपर की हो, सिल्वर की हो, या आपने देखा आयरन आर्टिकल हो, तो इन सब का बाद में सरफेस डल सी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड। सो यू विल सी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, उस रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर को हम बोलते हैं रस्ट, वट वी कॉल RUST, रस्ट, रेडिश जो ब्राउन कलर का पाउडर है, अगर वो बहुत देर तक बाहर पड़े रहते हैं आयरन के आर्टिकल्स। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस जिसमें आयरन आर्टिकल अगर वो बाहर पड़ा रहता है तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट होके उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल सी रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको, यू विल सी द रिएक्शन, लाइक आयरन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आयरन, कैसे ये रस्ट का होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ओके वाटर कितना है, 2x मान लो, हमें मालूम परसेंटेज उसकी कितनी है, सो व्हाट वी गेट Fe2O3.x H2O, अब इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे आ गया 4 3, देन यू कैन से इट इज़ 2 हेयर, ओके। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये रस्ट, एंड वी कॉल दिस वन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नाउ लेट्स आई विल टेल यू अगेन, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, व्हेन एनी आयरन ऑब्जेक्ट, कोई भी लोहे का चीज़ है, व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, देन ए ब्राउन कलर सब्सटेंस इज ऑब्टेंड, दैट ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बताया मैंने, कोई भी लोहे की चीज़ है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाती है, क्या बनाती है वो एक, सो कोई भी लोहे की चीज़ है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाती है, उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को कहते हैं रस्ट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
ना दिस आयरन वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट वर्ड रस्टिंग, बट अदर्स के लिए हम सीधा सिंपलेस्ट में कहते हैं कॉरिजन. क्या कहते हैं हम उसको? कॉरिजन. नाउ वी विल सी कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं. सो सम अदर ऑल्सो मेटल्स टार्निश्ड इन दिस मैनर. जैसे आपने देखा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का कलर आपने देख रखा है स्टार्टिंग में, चांदी जो होती है बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती है आपको. बट इन्वायरमेंट में सल्फर जो पाउडर होता है वो कंपाउंड के रूप में होगा. क्या है? सल्फर जो पाउडर है वो कंपाउंड के रूप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड. सल्फर एक कंपाउंड के रूप में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में. तो जब भी सिल्वर इस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनता है स्टूडेंट? Ag2S प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अब देखो सिल्वर का कलर, ये सिल्वर यहाँ पे बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आ रहा था आपको, बट यहाँ पे ये डल हो गया. कैसा हो गया? ब्लैक कलर. ये चांदी आपने कभी भी पहन रखी होगी, आपने रिंग पहन के रखते हो, पाँव में पायल होती है कोई भी, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? काफ़ी समय तक हम पहन के रखते हैं, ब्लैक कलर हो जाता है. वाई द ब्लैक कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड H2S. और ये सल्फर सिल्वर जब इसे रिएक्ट कराती है देन बनाती है सिल्वर सल्फाइड. नाउ दिस सिल्वर सल्फाइड इज व्हाट? ए ब्लैक कलर कोटिंग ऑन द सिल्वर. दैट्स व्हाई वी विल से टार्निश्ड. द कलर ऑफ द कलर सिल्वर मेटल्स ऑल्सो टार्निश्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड के प्रेजेंस में ही सिल्वर ये बनाती है. नेक्स्ट इज यू विल सी दिस कॉपर. ऐसे ही आप देखो कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे. कॉपर क्या है स्टूडेंट? एनवायरनमेंट में कॉपर जो है इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बेटा आप. ओके, हर रिएक्शन में आपको सिंपल बता रही हूँ. कोई भी मेटल है देखो यहाँ पे, जैसे कॉपर का बता रही हूँ. यू विल सी हियर कॉपर. कॉपर स्टूडेंट एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है और वाटर है, इनसे रिएक्ट. इसको आप मॉइस्ट, आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आप मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. सो कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट. क्या बनाएगा स्टूडेंट? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. बेसिक कॉपर कार्बोनेट. इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Cu. मैं कहाँ यहाँ लिख देती हूँ Cu, क्योंकि यहाँ लिखूँगी तो फॉर्मूला बेटा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस. दिस इज जब कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो व्हाट दे विल मेक? आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर स्टूडेंट, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. कैसे कलर? ग्रीन कलर की. जैसे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, सेम लाइक दिस वन कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. दिस ग्रीन कलर कोटिंग इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस वन इज Cu. दिस इज CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस. दैट इज कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. दोनों के बीच में डॉट होगा फॉर्मूले में. नाउ यू विल रे. सो कॉपर का अगर कोई भी आपके पास मेटल है उस कॉपर मेटल को आप बाहर रखा होगा तो यू विल गेट द ग्रीन कोटिंग, ग्रीन आपके उसके वहाँ पे लेयर मिलेगी. इस मीन्स देर इज कॉरिजन ऑफ कॉपर मेटल ऑल्सो. नाउ फर्स्ट वी आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉरिजन. व्हाट इज कॉरोड? दैट्स वी विल डिस्कस. Now you will see what is corrosion. Students, corrosion क्या होता है? When a metal is attacked, eating up of metal by substances around it such as moisture, acid, extra, that is called corrode. When a metal is attacked by, या you can say eating
अप ऑफ मेटल्स। अब मेटल को ईट कौन कर रहा है? बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जो भी सब्सटेंसेस अराउंड इट है वो उसको ईट कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोड। आई विल एक्सप्लेन यू वन, ईटिंग अप ऑफ मेटल अराउंड मैनी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर सच एज मॉइस्चर एसिड्स एंड अदर हार्मफुल गैसेस, दैट इज़ कॉल्ड कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। सो मेटल को ईट कर रहे हैं बाय एसिड मॉइस्चर ऑक्सीजन अदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और एनी अदर कंपाउंड प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। उससे अगर मेटल रिएक्ट होगा तो उसको हम कहते हैं कोरोड। उस मेटल वो मेटल क्या हो गया? कोरोड। इट इज सेट मेटल इज कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये क्या है? कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे वो मेटल कॉपर क्या है? ग्रीन कोटिंग आ गई, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। ब्राउन कलर की लेयर आ गई, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सिल्वर कलर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई, दैट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर या टार्निश ऑफ द सिल्वर मेटल। नाउ इन आवर डे टू डे लाइफ यू विल सी देयर इज आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ था स्टूडेंट कि कमेंट ऑन क्वेश्चन क्या था, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर देन देयर इज ए ब्राउन कलर लेयर ऑब्टेंड ऑन इट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? अदर्स मेटल्स के लिए वी यूज द वर्ड कोरोजन, व्हाट वर्ड वी विल यूज फॉर आयरन? दैट इज रस्टिंग। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग। आपने आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर दिया, पेंटिंग। नंबर टू, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? जैसे किसी भी मेटल के आयरन के ऊपर किसकी लेयर लगा दी? जिंक की। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देने को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। और आप एक और कह सकते हो बाय एनोडाइजिंग। ये सारी चीज़ें बेटा बाय मेटल्स को, आयरन मेटल को हम कोरोड होने से कैसे रोक सकते हैं? बाय पेंटिंग, बाय गैल्वनाइजेशन, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग एंड बाय एनोडाइजिंग, इन सब से। बट इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 3 में दे रखा है ये टॉपिक, वहाँ पे वी विल डिस्कस, चैप्टर 3 में वी विल डिस्कस इन द डिटेल। सो क्वेश्चन क्या आया था? हाउ वी विल प्रिवेंट इट, व्हाट इज़ द वर्ड यूज फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन, दैट इज़ रस्टिंग। और इसमें एक क्वेश्चन जो और था वो था जो बोर्ड की तरफ से कि आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। एक्सप्लेन दिस वन। सो यू विल सी दैट मेकिंग ब्रिजेस, आयरन रेलिंग शेप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। ओके, मेटल की जगह पे यहाँ पे ले लो अदर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। सी देन इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू मेक, ब्रिज बनाने में बहुत समय लगता है, आयरन रेलिंग बनाने में, शिप बनाने में, और धीरे धीरे इतने करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च होते हैं ब्रिज बनाने में, और धीरे धीरे ये वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहाँ पे क्या आ जाता है? रस्ट, उसके ऊपर लोहे पे जंग लग जाता है, जिससे गवर्नमेंट को हर साल जितनी न्यू बसेस बनती है, न्यू आयरन रेलिंग लगती है, न्यू शिप्स बनती है, पानी के अंदर जो शिप्स होती है वो रहती है, उसके अंदर क्या है? सॉल्ट एयर ऑक्सीजन, तो एयर वाटर के अंदर ही, तो वाटर ऑक्सीजन मिलकर वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आयरन का, क्योंकि आयरन को रिएक्ट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर और ऑक्सीजन, और ये दोनों ही इन्वायरमेंट के प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा मॉइस्चर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। सो रस्ट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? लोहे से बनी हुई चीज़ों का होता है। अगर इसका प्रोसेस हमें मिल जाए कि इन दोनों से